हाय, मैं नाम आकाश है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल आकाश में। और आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 हैकिंग हार्डवेयर डिवाइस के बारे में जो मोस्टली हैकर्स यूज करते हैं। तो मेरे लिस्ट में सबसे पहला नंबर पर आता है USB रबर डकी। USB रबर डकी एक नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह दिखती है, पर यह एक सिंपल और पावरफुल डिवाइस है। इस डिवाइस को आप किसी भी कंप्यूटर के USB पोर्ट में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप टारगेट कंप्यूटर या डिवाइस के अंदर मालवेयर या बैकडोर इंस्टॉल कर सकते हैं और आगे वाले के कंप्यूटर के डेटा को चुरा सकते हैं। USB रबर डकी का यूज करने के लिए आपको इसके अंदर एक स्क्रिप्ट लिखना होता है, जो कि एक स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज बहुत सारी है, पर मेरी सबसे फेवरेट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि इसके सिंटैक्स को आसानी से समझा जा सकता है। USB रबर डकी एक HID डिवाइस है, मतलब ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। इसे एक लाइन में समझाओ तो मशीन और यूजर के बीच इंटरेक्ट करने वाले डिवाइस HID डिवाइस कहलाते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, गेम कंट्रोलर। अब जो USB रबर डकी है वह कीबोर्ड और माउस की तरह ही एक्ट करता है। अब एक्ट करने का मतलब, जैसे कंप्यूटर माउस कीबोर्ड को नॉर्मल डिवाइस समझता है, वैसे ही USB रबर डकी एक हैकिंग डिवाइस है, पर उसे कंप्यूटर एक नॉर्मल पेन ड्राइव समझता है। USB रबर डकी बहुत स्पीड से वर्क करता है, करीब 1000 वर्ड पर मिनट या उससे भी ज्यादा। सेकेंड नंबर का टूल आता है हमारा वाईफाई पाइनएप्पल। वाईफाई पाइनएप्पल एक वायरलेस नेटवर्क टूल है जो आपके वाईफाई नेटवर्क की सिक्योरिटी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये डिवाइस आपको वाईफाई नेटवर्क के पासवर्ड, यूजर नेम, ईमेल्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री जैसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की परमिशन देता है। इसे साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स आपके इंटरनेट एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकते हैं और आपके पर्सनल डेटा को चुरा सकते हैं। इसके अलावा वाईफाई पाइनएप्पल आपको मैन इन द मिडिल अटैक और पैकेट स्निफिंग जैसे टेक्निक्स के थ्रू नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने की परमिशन देता है। वाईफाई पाइनएप्पल एक हार्डवेयर डिवाइस है जो एक सिंपल कंप्यूटर की तरह काम करता है। इसके अंदर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और इसे आप CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। वाईफाई पाइनएप्पल के अंदर एक पावरफुल CPU, RAM और स्टोरेज होता है जो इसके काम को स्मूथली रन करने में मदद करता है। इसके अलावा वाईफाई पाइनएप्पल के अंदर एक वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर होता है जो डिवाइस के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है। थर्ड नंबर का टूल आता है हमारा Proxmark 3। Proxmark 3 एक हार्डवेयर टूल है जो RFID और NFC कार्ड के डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज किया जाता है। RFID एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो ऑब्जेक्ट और डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है। RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और NFC यह भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो डिवाइस के बीच में डेटा एक्सचेंज करने के लिए यूज में लाया जाता है। NFC का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। Proxmark 3 एक ओपन सोर्स डिवाइस है जो सिक्योरिटी रिसर्चर और पेन टेस्टिंग करने के लिए बनाया गया है। इससे आप स्निफिंग कर सकते हैं और RFID और NFC कार्ड को क्लोन भी कर सकते हैं। क्लोनिंग वह प्रोसेस है जिसमें एक कार्ड का डुप्लीकेट क्रिएट किया जाता है। Proxmark 3 विंडो, मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ और पाइथन के साथ भी कंफर्टेबल है। फोर्थ नंबर का टूल आता है हमारा BaseBunny। BaseBunny एक सिंपल पोर्टेबल लिनक्स बेस्ड पेन टेस्टिंग डिवाइस है जो हैकिंग के लिए यूज किया जाता है। BaseBunny को सोशल इंजीनियरिंग और नेटवर्क सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। BaseBunny बहुत छोटा है जो कि इसको पोर्टेबल बनाता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। BaseBunny का यूज आप प्रोजेक्ट में भी कर सकते हैं। इसमें आपको 512 MB रैम, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, USB पोर्ट, इथरनेट पोर्ट और साथ में वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। BaseBunny के कुछ यूज केसेस है जैसे कि पेन टेस्टिंग। BaseBunny को पेन टेस्टिंग के लिए यूज में लाया जा सकता है। इसमें वीकनेसेस और सिक्योरिटी फॉल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसमें सोशल इंजीनियरिंग का यूज भी किया जा सकता है।
फिफ्थ नंबर का टूल आता है हमारा रसबेरी पाई। रसबेरी पाई एक सिंपल सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है जो एजुकेशनल और प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है और इसे हैकर भी मोस्टली यूज करते हैं। रसबेरी पाई को 2012 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद से यह बहुत पॉपुलर हो गया। रसबेरी पाई में ARM प्रोसेसर का यूज किया जाता है और इसमें लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज किया जाता है। अभी मैक्सिमम लोगों को पता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है। रसबेरी पाई को आप एक हैकिंग मशीन की तरह भी यूज कर सकते हैं और साथ ही प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसके अलग अलग मॉडल इंटरनेट पर अवेलेबल है। रसबेरी पाई के बारे में ज्यादा जानने के लिए सबसे पहले हम इसके हार्डवेयर के बारे में बात करेंगे। रसबेरी पाई के अंदर ARM प्रोसेसर होता है जो कि बहुत पावरफुल है। इसके अलावा इसमें रैम, स्टोरेज, कनेक्टिविटी ऑप्शन भी होता है। रसबेरी पाई में HDMI पोर्ट, इथरनेट पोर्ट, USB पोर्ट और ऑडियो आउटपुट भी है। रसबेरी पाई के लिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री है और बहुत सारे फीचर्स के साथ है। रसबेरी पाई बहुत छोटा है जो कि इसको पोर्टेबल बनाता है और इसे आप कम जगह में भी सेटअप कर सकते हैं। रसबेरी पाई का प्राइस अलग अलग मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।